अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपको सिखाऊंगी वो है सूजी का हलवा। बहुत ही आसान तरीके से लेकिन बहुत टेस्टी रेसिपी है। उसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी, ये तकरीबन 2 कप मैंने सूजी ली है, जो वही कप मैंने यूज़ किए जो मेजरिंग कप जो हम बेकिंग में यूज़ करते हैं, वो 2 कप भरे हुए सूजी के हैं, और उतने ही 2 कप चीनी है। उसके अलावा 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, किशमिश, बादाम और पिस्ता, इनको मैंने काट के रखा हुआ है। कुछ हम हलवे में शामिल करेंगे, कुछ गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। 2 अंडे हैं और 1.5 कप जमा हुआ घी। ऑलपर का लिक्विड मिल्क हम यूज़ कर रहे हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सूजी को दूध में भिगो देंगे। सूजी को आप छान दीजिएगा, मैंने छान के रखी हुई है। अच्छा, दूध का कोई मेजरमेंट या कोई नाप तोल उसका नहीं है, जितना हमें दूध शामिल करना है जिसमें सूजी हमारी अच्छे से भीग जाए। चम्मच के साथ हम मिक्स करते जाएंगे और दूध डालते जाएंगे। अच्छे से मैं सूजी को मिक्स करूंगी। हम ऑलपर का लिक्विड मिल्क यूज़ कर रहे हैं। ये देखिए, मैंने इतना दूध डाला है कि सूजी अच्छे से इसके अंदर भीग जाए। ये सूजी बिल्कुल दूध के अंदर डिप हो गई है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसको मैं आधे घंटे के लिए रखूँगी। आधा घंटा भी रखने के बाद दोबारा बनाना स्टार्ट करते हैं। ये आधा घंटा हो गया, तकरीबन 30 मिनट बाद ये सूजी देखें, सारा दूध सूजी के अंदर जज्ब हो चुका है। अब इसके अंदर मैं चीनी शामिल करूँगी। सारी चीनी इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। चीनी को सूजी के अंदर मिक्स कर लेंगे। अंडों को अच्छे से फेंट लेंगे। 2 अंडे में शामिल कर लेंगे इसके अंदर। सूजी को हमने आधे घंटे के लिए भिगोया है, फिर उसके अंदर हमने 2 कप सूजी ली थी, 2 कप चीनी। जितनी सूजी लेंगे उतना ही हम चीनी लेंगे, दोनों चीज़ों की क्वांटिटी बराबर होगी। अंडों को अच्छे से फेंट रही हूँ मैं। अच्छा, आप चाहें तो सूजी को पानी में भी भिगो सकते हैं। अगर पानी में भिगोएं तो चीनी शामिल करने से पहले ऊपर से पानी निथार के आप सारा निकाल देंगे, लेकिन दूध के साथ फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आएगा। अब अंडों को हम दूध में उसमें सूजी में शामिल कर लेंगे। अंडों को आपने अच्छे से फेंट लेने। अब इसको मैं सूजी के अंदर अच्छे से मिक्स करूंगी। सूजी के अंदर चीनी पहले मैंने मिक्स कर ली थी, आप साथ ही अंडों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको। ऊपर अंडे अलग से नहीं रखने हैं, मिक्स करने अच्छे से, वरना अगर जब हम इसको पकाएंगे तो अंडों के लम्स ना बन जाएं। इसको विस्कर के साथ मिक्स कर लेती हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। दूध में भिगोई हुई सूजी, चीनी और अंडे, ये देखिए अच्छे से मिक्स हो रहे हैं अंडे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। ये तमाम चीज़ें हमारे अच्छे से मिक्स हो गई हैं, आप पकाना स्टार्ट करते हैं। ये 1.5 कप घी मैंने कढ़ाई में डाल दी है। ये मेल्ट हो जाए तो इसमें इलायची पाउडर शामिल करूंगी। ये 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर इसमें मैंने डाल दी है। इसको इतना पकाएंगे ताकि थोड़ा सा इलायची की खुशबू आने लगे, तो हम बाकी की चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। घी अच्छे से गर्म हो गया, चूल्हे को बिल्कुल हीट मैंने बहुत स्लो कर दी है। अब सारा मिक्सचर इसमें डाल के अब चूल्हे को हम मीडियम हीट पे कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसको अच्छे से हम साथ हम मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम कर दिया मैंने इसका। जब मैंने सूजी शामिल किया तो मैंने चूल्हा बहुत हल्का कर दिया था। अब सूजी सारा मिक्सचर शामिल करने के बाद मैंने चूल्हा मीडियम पे कर दिया, मीडियम हीट पे हम इसको पकाएंगे। आपने साथ साथ चम्मच फौरन हिलाते रहने। अगर ऐसी चम्मच हम इसमें नहीं हिलाएंगे फौरी तौर पर तो अंडा फौरन पकना स्टार्ट हो जाता है, अंडे के लम्स बन जाएंगे। उससे चम्मच हिलाते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे।
थोड़ा सा चूल्हा मैंने तेज़ कर दिया है। ये देखो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। अभी घी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये सारा सही मिक्स हो जाएगा तो घी इसमें नज़र नहीं आएगा। घी की क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। मैं मुसलसल इसको हिला रही हूँ। ये देखिए हमारा हलवा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। मैं मुसलसल इसको मिक्स कर रही हूँ चम्मच के साथ। इसे चम्मच से आप हिलाते रहेंगे ताकि अंडे के लम्स ना बने और तमाम चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएं। आपने ऐसे नहीं करने कि चूल्हे पे चढ़ा दें और चम्मच इसमें ना मिक्स करें, ठीक है। ये देखें आपको अंदाज़ा हो रहा होगा देख के। जैसे जैसे ये सूजी इकट्ठी होगी तो ये सारा घी इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। अच्छे से भूनना हमने इसको, क्योंकि इसमें अंडे भी हैं ताकि अंडों की स्मेल भी ना आए, अंडे अच्छे से मिक्स हो जाएं और सूजी की भी अच्छे से भुनाई हो जाए। ये देखिए हमारी सूजी सारा अच्छे से मिक्स हो चुका है, सारा मिक्सचर। अब हमने इसकी भुनाई करनी है और इस तरह से कट करके आपने चलाएं। ये देखिए, अगर आप चाहें मैं इसको प्योर इसी तरह सूजी के साथ बना रहे हैं, आप चाहें वाइट हलवा ये, आप चाहें तो उसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। फूड कलर जब आप सूजी को भिगोएंगे तो उसमें आप थोड़ा सा येलो कलर शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कलर शामिल नहीं किया इसमें। इस तरह से कट करना है चम्मच के साथ, चपटा चम्मच लेके आपने उसके साथ पकाना है और इस तरह से कट कर करके इस तरह आपने इसको भुनाई करनी है ताकि ये दानेदार बने हलवा। देखिए इस तरह से कट कर करके मैं इसको भून रही हूँ। देखिए आप इसमें मैंने सारी किशमिश और उसमें जो हमने बादाम और पिस्ता रखे थे कट्टे, उसमें आधा इसमें शामिल कर लेंगे और आधा गार्निश के लिए रखेंगे। इसको मिक्स करके मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए बारीक आग पर दम पे रख दूंगी। दम पे रखने के बाद दोबारा हम इसकी भुनाई करेंगे। 10 मिनट के लिए बारीक आग पे रखेंगे, दोबारा भुनाई करेंगे। फिर तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, अब फिर इसको अच्छे से भूनेंगे। अब थोड़ा सा चूल्हा तेज़ कर लेंगे। जब हमने दम पे रखा था तो हीट बिल्कुल स्लो कर ली थी। अब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे दोबारा। देखिए अंडे को हमने अच्छे से फेंटा, फेंट के मिक्स किए थे, आपको कहीं भी अंडे के लम्स नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल देखने में नहीं लग रहा किसी में अंडा शामिल किया आपने। तो चम्मच के चपटा चम्मच के साथ आपने पकाना है, उसे कट कर करके आपने इस तरह से भुनाई करनी जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से। दम पे रखने से थोड़ा सा मजीद सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको दम पे रखते हैं। ये देखिए चम्मच, अब चम्मच के साथ हलवा नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब हलवे की अच्छे से भुनाई हो चुकी है। और भुनाई आपने इस तरह से कट कर करके भुनाने। ये मीडियम हीट पर अब मैं इसको पका रही हूँ, भुनाई इसकी कर रही हूँ। ये आपको देखने में लग रहा होगा कि बिल्कुल गोल गोल इसका हलवे की बिल्कुल ये पेस्ट की तरह, जैसे सादा हलवा बनाया जाता है उससे इसका लुक थोड़ी डिफरेंट आती है। जैसे कट कर करके आप इसको पकाने, ये आपको नज़र आ रहा होगा हलवे का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। अच्छे से हमारी सूजी भून चुकी है। इस हलवे का टेस्ट तब आएगा, आपने भुनाई इसके अच्छे से करनी है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये हमारा हलवा अच्छे से भुन चुके, हमारे रेडी हो चुके हलवा। अब मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए नाजी, हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो चुके। बाकी के जो पिस्ता बादाम थे मैंने ऊपर इसको गार्निश के लिए डाले हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।